जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रीफ वीडियो का पर्पस एसए से रिलेटेड स्टूडेंट्स के दो मेन कंसर्न्स को एड्रेस करना है, सीएसएस के इंग्लिश एसए से रिलेटेड टू मेन कंसर्न्स। हमारे पेज पे बहुत सारे हमें मैसेजेस आते रहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, व्हाट्सएप ग्रुप पे और मैसेंजर के थ्रू। उनमें से जो एसए से रिलेटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, वो दो एरियाज पे कंप्राइज करते हैं। एक, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ इंग्लिश एसए, क्या क्या फेलियर्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं जो कि इंग्लिश के एसए के फेलियर का कॉज बनते हैं फॉर द स्टूडेंट्स। दूसरा एरिया के व्हाट हैव बीन माय टेक्निक्स थ्रू व्हिच आई हैव बीन एबल टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द एसे, ये भी स्टूडेंट्स ज्यादा पूछते रहते हैं मैसेज के जरिए और व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे। तो आई फाइनली डिसाइडेड कि एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए जिसमें स्टूडेंट्स के ये जो दो मेन एरियाज हैं, दो मेन कंसर्न्स हैं, इसको एड्रेस किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि ऐसे को जो एक बहुत बड़ा मिथ बना दिया गया है सीएसएस के रिलेटेड, सबसे पहली बात तो यू हैव टू ब्रेक दिस मिथ। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि इंग्लिश ऐसे सीएसएस का पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है, मार्केट के अंदर चीजें इतनी स्टूडेंट्स को बता दी गई हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, बुक्स पढ़ लें, फलाना कर लें, आर्ग्यूमेंट्स लेके एक्सप्रेशन करें, पता नहीं क्या क्या क्या। वो चीज सॉल्व होने की बजाय, उसका सॉल्यूशन होने के बजाय मजीद वो एक इम्ब्रोग्लियो सा बन गया है, एक फियास्को सा क्रिएट हो गया, डिप्रेशन सा स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट हो गया। सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट्स के साथ कुछ रीजंस डिस्कस करता हूं जो कि फेलियर का कॉज बनती है, और ये मैं वो अपनी रीजंस नहीं बता रहा, दिस इज द समरी ऑफ द एग्जामिनर्स रिपोर्ट। हर साल एग्जामिनर्स रिपोर्ट आती है जिसमें दे डिस्कस द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इंग्लिश एसे इन प्रेसिस। ठीक हो गया। और मैंने अभी तक अपने तकरीबन कोई 120 एसे चेक किए, मुझे भी बहुत ज्यादा यही कॉजेज लगती हैं स्टूडेंट्स के फेलियर्स की। देखिए, सबसे पहली जो कॉज है दैट इज टू मच मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हो गई, और बेसिक सेंस जो एक स्ट्रक्चर, एक सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज होता है, उसकी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। आई हैव सीन मैनी एसेज, देखिए अगर आपके पहले पैराग्राफ के अंदर मिस्टेक्स निकल आती हैं, चाहे वो ग्रामर की हैं, चाहे सेंस की हैं, चाहे उसमें आपने पंक्चुएशन की सेंटेंस की मिस्टेक कर दी है, वो कहते हैं कि इल पंक्चुएटेड सेंटेंस इज वर्स देन नॉन पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है अननेसेसरी पंक्चुएट करने की सेंटेंस को। आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर मिस्टेक्स निकल आई हैं, फिर रीडर जो एग्जामिनर होता है वो मजीद चेक करता है, तो नेक्स्ट दो तीन पैराग्राफ के अंदर फिर मिस्टेक्स निकल रही हैं। इस तरह हर पैराग्राफ में अगर आपकी मिस्टेक्स निकलती जा रही है, तो ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू फेल दैट एसे। इसमें कोई दूसरी बात नहीं, यू आर अपेयरिंग फॉर द सी एस एस एसे, और आपकी इंग्लिश की ग्रिप इतनी होनी चाहिए कि आपके मिस्टेक्स जीरो हो कम से कम। मैं ये नहीं कहता कि मतलब है कि ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं, इक्का दुक्का हो जाते हैं मिस्टेक्स, वो भी इस चीज का मार्जिन रखते हैं, लेकिन ये ना हो कि आपकी रिपीटेडली हर पैराग्राफ के अंदर मिस्टेक्स हो रही है। तो टू मैनी मिस्टेक्स एक बहुत बड़ा पहला कॉज बनते हैं स्टूडेंट्स के फेलियर का। दूसरा जो है बिग कॉज, दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ स्टांस। क्या आपका स्टांस बेस्ड ऐसे आ गया है? स्टांस बेस्ड ऐसे में आपने अपना स्टांस क्लियर करना है। यूनाइटेड नेशंस अ सक्सेस और फेलियर स्टांस बेस्ड ऐसे, 2019 का जो ऐसे था एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग और कर्स, स्टांस बेस्ड ऐसे।
स्टूडेंट्स मिस्टेक्स ये करते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन में, अपनी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में स्टांस क्लियर नहीं होता कि आप एक ओपिनियन आपने लेनी होती है, चाहे आप एक ले लें, चाहे दूसरा पहलू ले लें, या चाहे दोनों को डिस्कस करें, लेकिन जो आपका स्टांस होता है कि बिल फॉर एक्सपेंडिंग आईटी ब्लेसिंग है या कर्स है, या इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ब्लेसिंग भी है कर्स भी है, आपका जो भी स्टांस है, स्टांस आपने क्लियर रखना है। स्टांस के ऊपर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट विद क्लियर डायरेक्ट वर्ड्स आपका स्टांस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्लियर नजर आना चाहिए। मैंने यकीन करें ऐसे कई एसेज पढ़े हैं, पहला पैराग्राफ पढ़ा, नेक्स्ट दो तीन चार पैराग्राफ पढ़ लिए, कहीं पर भी समझ लग रही थी कि स्टूडेंट बात क्या करना चाह रहा है, कि आपका मतलब है कि आपका मुद्दा क्या है, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, तीन चार पैराग्राफ पढ़ लिए, कहीं भी डायरेक्टली खुल के वो बात नहीं कर पा रहे होते स्टूडेंट्स कि दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरा स्टांस ही है। तो क्लैरिटी नहीं है स्टांस को लेके चलने की, स्टांस को बोल्ड वे में लेके चलने की क्लैरिटी, वो एक एबिलिटी नहीं है। जब भी अल्फाज में स्टांस को बयान कर देंगे कि अगर वो वाला स्टांस होगा तो वो भी डिसाइफर कर लेगा एग्जामिनर, अगर ये वाला होगा तो ये भी डिसाइफर कर लेगा। तो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ स्टांस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस। थर्ड है इररेलेवेंस। सवाल पूछा क्या गया होता है, जवाब कुछ और आ रहा होता है। इररेलेवेंस क्रिएट होती है जब आप टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते। जब तक आप टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप उस पर रेलिवेंट नहीं लिख सकते। अगर इकोनॉमिक सिस्टम पे बात है तो उस पर एजुकेशन सिस्टम को घुसा देते हैं, सवाल गंदम होता है, जवाब चना रहा होता है। जो टॉपिक पूछा गया है, अब देखिए मैं इसकी कॉमन मिस्टेक देता हूं कि मैंने एक टॉपिक स्टूडेंट्स को लिखवाया था कि इज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इंप्रूविंग और डिप्रूविंग। अब ये प्योर स्टांस बेस्ड है, इसमें आपने बताना है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इंप्रूव हो रही है या डिप्रूव हो रही है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इट हैज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, थ्री ब्रांचेस ऑफ द स्टेट मस्ट वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन, पूरी एक डेफिनेशन ऑन दिस दिस दिस। एंड में कहीं जाके वो बता रहे होते हैं कि इम्प्रूव हो रही है डिप्रूव। यार आपने देखना यह है कि पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि डेमोक्रेसी क्या है, पूछा ये जा रहा है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव हो रही है या डिप्रूव हो रही है। यहाँ पे डेमोक्रेसी को थ्योराइज करने की, प्रैक्टिकलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। सो रेलिवेंस, लैक ऑफ रेलिवेंस एक बहुत बड़ा कॉज बनती है कि टॉपिक से हट जाते हैं, टॉपिक के एम्बिट से बाहर हो जाते हैं। आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ें, आउटलाइन को पढ़ें, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये पॉइंट्स ऐसे के टॉपिक को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे के टॉपिक को प्रूव कर रहे हैं। अपनी ही वो उस डोमेन में ओवर थिंकिंग करके वो एम्बिट से बाहर हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन डू नॉट रियलाइज दैट दे आर मूविंग ग्रेजुअली अवे फ्रॉम द सेट एम्बिट ऑफ द एसे। इतनी वो ओवर थिंकिंग हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से। सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट यू हैव टू राइट एन एसे दैट इज हाईली रेलिवेंट एसे। ठीक हो गया। उसके बाद जो फोर्थ मेजर कॉज बनती है, दैट इज लैक ऑफ कोहेरेंस। लैक ऑफ कोहेरेंस एक बड़ा फैक्टर है कि चीजों में रब्त नहीं। एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें अंदर चीजें इस तरह एब्रप्टली आ रही होती हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं क्रिएट हो रही होती, चीजें एक ऑर्डर में नहीं होती, तरतीब में नहीं होती। वो कहते हैं ना, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि जो चीजें एक जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है उसको स्टूडेंट्स नहीं फॉलो करते, हैजर्ड बातें हो रही होती, एक फ्लो नहीं होता राइटिंग के अंदर। एक व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, योर एवरी पैराग्राफ मस्ट क्रिएट अ स्पेस फॉर द अपकमिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ के दूसरा पढ़े तो वाकई फील होगी चीजें तरतीब में चल रही हैं, कोहेरेंस नहीं है। पहले इकोनॉमिक सिस्टम की बात की, फिर एजुकेशन की बात कर दी, फिर पॉवर्टी की बात कर दी, फिर कहीं से उठा के, मतलब है कि इररेलेवेंट हॉच पॉच सा क्रिएट हुआ होता है। चीजों को तरतीब में लिखना चाहिए। अगर कोई डिस्कवरी पहले हुई है, कोई बाद में हुई है, तो उसको तरतीब से लिखना चाहिए। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो शिप इंडस्ट्री आई,
शिप इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद करंट हम मूवमेंट देखते हैं सोशल मीडिया की, वेब वर्ल्ड वाइड वेब की। तो ये चीज़ें तरतीब में होनी चाहिए, पहले आप वर्ल्ड वाइड वेब को बता दें, फिर कहीं शिप इंडस्ट्री बता दें, फिर बीच में घुसा दें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो एग्जाम्पल देने का पर्पज़ ये है कि चीज़ों की एक तरतीब, एक सांचा होता है, आपने माइंड में एक स्कीम बनाई होती है कि इस तरह से मैंने अपने आर्ग्यूमेंट को तरतीब से लेकर चलना है, जिसमें हैपहैज़र्ड ना हो, बातें कोहेरेंट हो। इक्का दुक्का जगह भी अगर आपकी कोहेरेंस लॉस लॉस हो रही है तो ठीक है, लेकिन पूरा ऐसे ही हैपहैज़र्ड, वो इल एक अनइनिशिएटेड ऐसे लगता है, इल प्लान्ड ऐसे लगता है, क्लियरली नजर आ रहा होता है कि आपकी कोई एक पूरी थ्रू आउट ऐसे कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं रही है बिटवीन योर राइटिंग एंड बिटवीन योर ब्रेन, ब्रेन और पेन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। सो दैट यू हैव टू वर्क ऑन, कि कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक बड़ी रीजन है, दैट इज लैक ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, के आर्ग्यूमेंट जो आप देते हैं ना, हवा में नहीं बात करनी, बात लॉजिकल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स भी बाज़ूकात बड़ी इलॉजिकल सी और एक टू मच एम्बिशियस सी, जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत दूर होती हैं, बहुत ही इम्पॉसिबल सी लग रही होती हैं बातें, टू मच एम्बिशियस बातें लग रही होती जो कि प्रैक्टिकलाइज प्रैग्मेटाइज नहीं हो सकती। आपने जब सॉल्यूशंस देने हैं या कोई पाकिस्तान के ऊपर इशू बेस्ड ऐसे आ गया, उसमें वो बातें करनी है जो कि प्रैग्मेटिक हो, मतलब जमीन आसमान के खुलावे नहीं मिला देने, कि यू हैव टू बी, आपने अपने अपने हर कार्ड को बड़े सेंसिबली प्ले करना है, आपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली लेके चलना है कि यार ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं क्या वो लॉजिक टू लॉजिक मूव कर रहा है, या ऐसे ही लग रहा है कि बस आपने ए टू बी एम ही मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें जो आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर एवरी आर्ग्यूमेंट विद द रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, विद द रेलिवेंट डेटा, रेलिवेंट रिपोर्ट्स, रेलिवेंट कोटेशंस, रेलिवेंट रेफरेंसेस। जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि पॉवर्टी पाकिस्तान में कम है, ये एक तरीका है बात करने के, पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज, देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इसको इफ यू एड द स्टैट्स फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक सर्वे, एज द स्टैट्स फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक सर्वे शो that there is a high incidence of the poverty in Pakistan and a huge number of the people are lying below the poverty line. So that is when you koi report quote kar de, koi United Nations ki report kar de, refugee crisis pe aise aa gaya hai, koi democracy pe aa gaya hai, koi good governance pe aa gaya hai, koi kisi bhi koi quotation based aise aa gaya, koi aapko relevant UN ki quotation aa rahi hai mind mein, report aa rahi hai, World Bank ki aa rahi hai, Pakistan ka koi aa raha hai report wagera, stats wagera, to arguments ke andar inko nathi kiya kare. So through these things you are going to increase the worth of your arguments. When you add these things you are going to make your arguments more appealing. Ek appeal create kar rahe hote hain aur the examiner gets tempted to pass your essay. Theek ho gaya? Aur last jo cheez students ke failure ka cause banti hai, that is lack of self creativity. Ye naya cheez maine dekha exam reports mein. लैक ऑफ सेल्फ क्रिएटिविटी से क्या मुराद है, ये नई चीज आई है एग्जामिनर रिपोर्ट में। देखिए, आप ऐसे में कई बार आपने ऐसा सुना, सुनने को मिलता है कि यार मैंने ऐसे लिखा, मैंने पूरा ऐसे सही लिखा, ऐसे छाप के रख दिया, सारा कुछ ठीक था, मेरा ऐसे फेल नहीं हो सकता, मुझे सर ने बिल्कुल एज इट इज ऐसे ऐसे लिख के दिखाया था और मैंने सर का लिखा लिखा ऐसे एज इट इज लिख दिया, रिजल्ट आता फेल होते हैं। यार ऐसे एक बात आप माइंड में रख लें, आज अगर आप किसी का रट्टा रटाया ऐसे एज इट इज जाके लिख रहे हैं, रेस्ट अश्योर्ड यू आर गोइंग टू फेल दैट ऐसे। रटी रटाई बात, एक्सप्रेशन सारा क्लियर नजर आ रहा है, वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ एग्जामिनर रिपोर्ट में, वी नीड द स्टूडेंट्स, एग्जामिनर रिपोर्ट की सेंटेंस कोट कर रहा हूँ, we need the students who are able to think and create their essay in the examination hall. Pressure ki game hai na, wahan pe pressure mein aapka dimag kaam kar raha, aap khud create kare, aapke andar skills ho, aapke andar ability ho, essay ek art hai, technique hai, wo technique aapne seekh ke technique ko apply karke paper pass karna hai, na ke 5-6 rate rate essay pakad ke leke aa jana. So जो आप अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी देते हैं, आप अपना एनालिसिस देते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं सोसाइटी में, चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी क्रिटिकल एवेल्यूएशन देते हैं, दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड इन द एसे। स्टूडेंट्स ये नहीं करते, डरते हैं इस चीज से। देखिए, यू हैव टू बी अ बिट बोल्ड, यू हैव टू प्ले एट द फॉरवर्ड फुट स्टेपिंग्स,
आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, आपको अपनी शो कराना पड़ेगा दैट यू आर अ ब्रेन, दैट यू आर थिंकिंग एबिलिटी, बिकॉज सिविल सर्विसेज में दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ ब्रेन. तो ये जो एक अपनी एक सेल्फ क्रिएटिविटी होती है, अपनी इनोवेशन लेके आना वे फॉरवर्ड में, हर्डल्स में, उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को. ठीक हो गया. आज की इस वीडियो में जो रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस थे मैंने बहुत ब्रीफली बता दिए. मेरे जो लेक्चर्स होते हैं क्लास के अंदर, उसमें मैं ये सारे पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करता हूँ, और उसमें फिर वो सारी एक सेट पैटर्न होती है एसेज की, कैसे लेके चलना है, टॉपिक सिलेक्शन से लेके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होती हैं क्लास में. हर एक कंपोनेंट की डिटेल डिस्कशन है, असाइनमेंट्स हैं और रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस हैं. एट द एंड ऑफ द सेशन आई शेयर माय टिप्स, बट टिप्स आई हैव अडॉप्टेड टू सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट. और सेशन जब इख्तिताम में होता है तो मैं पास्ट जो 20 ईयर्स कैसे वो भी डिस्कस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है, तो फिर बहुत सारी डिटेल तो ऑब्वियसली विल फॉलो इन द लेक्चर्स. आज के जो ब्रीफ सा एक था उसका पर्पस सिर्फ एक स्टूडेंट्स के इसको एड्रेस करना था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स. मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा सून इंशाल्लाह, जिसमें मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड राइटिंग पे बात करूंगा कि एफपीएससी के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो क्या स्ट्रक्चरल राइटिंग डिमांड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स से, और किन सांचे में, किस स्ट्रक्चर में रह के अगर आप लिखें तो आपके चांसेस पास करने के मैक्सिमम हो जाते हैं. स्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपने ऐसे करनी है. इस पर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 5-10 मिनट की होगी, उसमें मैं ब्रीफली बताऊंगा व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर्ड राइटिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, विद दिस बेस्ट विशेस, होप आपके कुछ कंसर्न्स एड्रेस हुए होंगे. और भी अगर आपको रिलेटेड कोई सवाल हैं तो हमारे VMCSP पे मैसेज कर दिया करें, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं. इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ योर इश्यूज एट आवर बेस्ट नॉलेज. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़.